मैं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया और ये है मेरा गांव मेरा देश उत्तर प्रदेश सीरीज का एपिसोड नंबर 3। आज के इस एपिसोड में मैं आपको हमारे हिंदुस्तान के एक टिपिकल गांव की सैर कराऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे हैं हमारे गांव, वहां की सड़कें, वहां के खेत और गांव से जुड़ी मेरी कुछ पुरानी यादें। जैसे आप गाँव के बाहर निकल के आते हैं तो इस तरह का ईंटों से बना हुआ एक रास्ता है जिसे खड़ंजा कहा जाता है। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। और दोनों तरफ आपको ये गोबर और घर का जो वेस्ट है उसके ढेर नजर आएंगे जिसे कुल्ढी कहा जाएगा। 15 साल पहले के कंपैरिजन में अगर मैं आपको बताऊं तो बदला है। तो इन रास्तों का स्वरूप, यहाँ पे ये सीमेंट की एक रोड बनाई गई है, ये गांव का तालाब है। नॉर्मली हर एक गांव में इस तरह का छोटा सा एक तालाब होता है। मैं हैरान हूँ ये देखकर कि इस तालाब को फिशरी के लिए यूज़ किया जा रहा है, एक वैज्ञानिक तरीके से, जैसे मत्स्य पालन यानी फिशरीज होती है वो यहाँ पर की जा रही है। और थोड़ा बाहर निकला हूँ तो ये मेटल रोड है, चौड़ाई कम है, छोटी सड़क है, लेकिन है मेटल रोड। और 2-3 घंटे के लिए ही लाइट आया करती थी। जब से मीटर सिस्टम हुआ है, मीटर घर के बाहर लगाए गए हैं, तब से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थोड़ी नेचुरल तरीके से या सिस्टमेटिक तरीके से हो पा रही है। आज धुंध का मौसम है, 9:30 बजे हैं, लेकिन फिर भी फोग वैसी की वैसी ही है। एक छोटा सा मंदिर जैसा बनाया गया है जिसे देवता बाबा कहा जाता है, देवता यानी देवता। तो इस तरह के देवता आपको देखने को मिलेंगे हमारे खुद के घर में भी। जब मैं अपने गांव में आपको लेके चलूँगा तो हमारे खुद के एक देवता है जो वहीं पर है, अगर मेरे जो हमारी पहली पुश्तैनी ज़मीन हुआ करती जिसे मेरे पेरेंट्स ने बेच दिया, तो वो पुश्तैनी ज़मीन में एक देवता है, बिल्कुल इसी तरह के हैं। देखिए, इनको देवता कहा जाता है। तो यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर के दिया जलाया जाता है, और अगर परिवार में कोई शादी या फंक्शन है तब भी देवता को आकर के पूजा जाता है। तो हमारे देवता एक्चुअल में तो इस तरह के कंस्ट्रक्टेड उसमें नहीं है जैसे यहाँ बनाया गया है, वो अभी भी खुले में ही है। किसी भी वीडियो को बनाने में और कंटेंट आपके लिए लेके आने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। ये है वो कच्चे रास्ते जो निकल रहे हैं खेतों की तरफ। ये ईख खड़ा है जिसे गन्ना कहेंगे आप, सरसों उगी है खेत में। गांव के खेतों में इस तरह से घूमने का मजा लेता हुआ सुबह सुबह, इतनी भी सुबह नहीं जितना आपको देख के लग रहा होगा, और इतना ठंडा भी नहीं है जितना आप अभी सोच रहे होंगे। ये करीब 9:30-10 बजे का टाइम है और मैं वॉक करने निकला हूँ खेतों के बीच में। नाश्ता किया था थोड़ी देर पहले ही। इस वक्त आप देख रहे हैं गांव के खेत, गांव के खेतों के बीच जाते हुए कच्चे और थोड़े पक्के से रास्ते हैं। मैं थोड़ी देर में अपने पेरेंटल गांव सरकड़ी जिसका नाम है वहां जाने वाला हूं। ये वो गांव है जहां मैं पैदा हुआ था। मेरे पेरेंट्स ने बहुत साल पहले सारी प्रॉपर्टी यहां से बेच दी थी और बेचने के बाद हरियाणा यमुनानगर में शिफ्ट हो गए थे। तब से लेकर इस गांव में मैं सिर्फ पिछले 20 या 22 सालों में हार्डली कुछ ही बार आया हूँगा। अब की बार मैं 15 साल बाद अपने गांव जा रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा उन लोगों से मिलूँ जिन लोगों के साथ मैं कभी खेलता था, उठता बैठता था। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला, आप चलिएगा मेरे साथ, आपको भी अच्छा लगेगा। रहने वाले भाई साहब, मैं चंडीगढ़ से आ रही हूँ। आज भी रहने वाले बोले मेरे मामा जी जिलोदे के हैं, अच्छा, ताऊ जी देवबंद के हैं, अमेटा के हैं, अच्छा, रिश्तेदार तो सारे यही हैं। हाँ, फिर सारे यही होनी, सारे ही हैं, बस हम ही लोग हैं जो बहुत पहले यहाँ से बेच के सारा जमीन वगैरह, जब जमीन नहीं है कोई है नहीं घर बार इधर तो आना भी नहीं होता। हाँ नहीं नहीं आक्रोश तो है ही भाई, रिश्तेदारी है। हाँ बिरादरी तो है ही, अब तो रिश्तेदारी है, बस बिरादरी है। हाँ बस वही रह गए। किस बात की रोक लगा रखी है सरकार ने? सरकार ने इसलिए लगा रखी है भैया पार्टी, हाँ ऊपर फेंक भी रहे, सब सेक कर नहीं देते, जलाने नहीं है। हाँ अभी भी दूर करके जो हाथ फिर जाए सेक लें,
अब ये पार्टी यो रात दिलवानी पड़ेगी थोड़ा को नेक्स्ट पे आके भी एक्शन उठा देंगे दो दो सौ रुपए का है भाई इनको ज्यादा बताऊं मैं अच्छा, फिर अपना सेटिंग करके दो सौ रुपए दे दो चलो मामला रफा दफा कर देंगे मतलब पुलिस वालों में अधिकारी में कोई फर्क नहीं रहेगा ना जहाँ से ठंड तो लगेगी देख लो ये देखिए खेत में गन्ने छिलने का काम कैसे होता है पहले आप इसे काट के नीचे गिरा दोगे फिर इसकी पुली बांध दोगे और पुली बांधने के बाद बस अच्छा जी क्या रहे भाई साहब गन्ने छिल रहे हो ठीक है बढ़िया बढ़िया कर लो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक छोटा सा दो जरा चूसने के लिए दो तीन पूरी देना बस ज़्यादा नहीं ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया इसका आधा कर दो इतना कर दो हाँ इतना बहुत है बस जी बस थैंक यू जी लो जी मैंने तो एक गन्ना भी ले लिया मैं क्या चूस लेता हूँ जा जाओ तुम क्या पानी पीते पी ली थी अच्छा रोटी खा ली चाय पी ली तो सारा कुछ हो गया बस अब तो बस थोड़ा सा घूमन खाता निकला था ठीक है जी अच्छा जी नमस्ते गन्ना चूसने का जो एक्सपीरियंस है भूल ही गया था मैं तो अब जा करके फिर से ऐसे लग रहा है कि बचपन के दिन याद कर रहा हूँ याद करने की कोशिश करूँ गन्ने का जूस पिया है लेकिन गन्ना चूसा नहीं है ऐसा हम बचपन में क्या करते थे छोटे बन में दांतों की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी आज खुला नहीं हो अभी तक है ना ये कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जिन्हें आप कभी भूलते नहीं हो दीजिए एक और देता है यहाँ नजर आ रहे हैं आपको पेड़ के नीचे ऐसे देता है बहुत सारे होते हैं परिवार के हिसाब से उनके अलग अलग देता हैं सोच रहा हूँ अपने गांव भी पैदल ही चला जाऊं पहले भी तो हम पैदल ही आया जाया करते थे रुके मैं चल पड़ा अपने पेरेंटल गांव घूमने के लिए पर जाने से पहले सोचा कि शेव तो करा लूं जिस जगह पर मैं अभी हूं यहाँ पर हर साल एक मेला लगता था मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो वो मंदिर है माता का मंदिर है और उस मंदिर के इस जगह पर लगता है हर साल मेला जिसे डंगेड़ा गांव है तो डंगेड़े के मेले के नाम से हम लोग जानते थे तो आज 15 साल बाद मैं फिर से यहाँ पर हूँ इस जगह पर हूँ वीडियो के अगले हिस्से में यहाँ से मैं वॉक करके जा रहा हूँ अपने गाँव जिसका नाम है सरकड़ी हाय तो ये है वो सरकारी ट्यूबवेल जिसकी होदी में आकर के हम नहाया करते थे छोटे छोटे से बच्चे और ये यहाँ की सबसे गहरी होदी हुआ करती थी हम इसमें जब छलांग लगाते थे तो हमें डूबने का डर लगता था आज ये होदी इतनी छोटी सी लग रही है मुझे कि इसे ये हमें उस वक्त इतनी बड़ी कैसे लगती थी ये होदी कभी मुझे इतनी गहरी लगती थी कि और ये पाइप इतनी बड़ी दिखती थी यहाँ पर कि मुझे लगता था कि मेरे को अंदर खींच लेगी जितनी भी पाइप हमारे यहाँ ट्यूबवेल में होती थी उन सब में सबसे बड़ी थी और कुछ लोग यहाँ नहाया करते थे और यहाँ से पानी निकल के इस वाले में जाता था तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये सबसे बड़ी होदी थी यहाँ पर और आज ये सब कितना छोटा लग रहा है हम बड़े हो गए शायद इसलिए है ना ये इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखती थी मुझे सरकारी ट्यूबवेल की आज पिद्दी सी लग रही है पिद्दी सी कितना बदल गया है सब कुछ छोटा हो गया है इसी पे अगर आप सीधा चलेंगे तो उस रोड पे कनेक्ट होंगे जहाँ से जो सड़क मेरे गांव जाती है तो चलिए इसी रोड पे चल के देखते हैं एक बार वो देखिए वो सामने जाके वो जो सड़क दिख रही है आपको वो सड़क मेरे गाँव जाती है मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद अगले एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूँगा अपने गांव जहां पर मैं पैदा हुआ था 6 साल की उम्र में मैंने गांव छोड़ दिया था तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में